नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आप चैनल एसएससी एग्जाम वॉरियर में। दोस्तों, आप लोग का एसएससी जीडी कांस्टेबल के रिगार्डिंग लगातार आप लोग के नोटिस देखने को मिल रहे होंगे। देखिए, कुछ गिने चुने दो तीन यूट्यूबर्स हैं जो आप लोग को फेक इन्फॉर्मेशंस प्रोवाइड करा रहे हैं, और उन फेक इन्फॉर्मेशंस को लेकर आप लोग के मन में असमंजस है कि आप लोग का नोटिफिकेशन कब आएगा। सबसे पहले देखिए दोस्तों, आप लोगों को किसी भी इस तरीके से नोटिस पर जो एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं है उससे बच के रहना है। कोई भी आप लोग का नोटिस आएगा एसएससी जीडी कांस्टेबल की भर्ती प्रक्रिया के रिगार्डिंग, तो वो ऑफिशियल एसएससी की वेबसाइट पर आएगा। डिपार्टमेंटली नोटिस मैंने आप लोगों को कुछ प्रोवाइड कराए थे पहले, वो आप लोग की भर्ती प्रक्रिया जब चालू हो जाती है उसके बाद आप लोग के नोटिस देखने को मिलते हैं, और वो भी एसएससी की वेबसाइट पर नहीं आते हैं। वो भी आप लोग का सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, इनके जो ट्रेनिंग नोटिस होते हैं ये फैक्स नोटिस आप लोग को देखने को मिलते हैं। बाकी एसएससी पर कोई फैक्स नोटिस नहीं निकलता है, एसएससी पर डायरेक्ट आप लोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर ही नोटिस देखने को मिलता है, अगर कोई नोटिस पब्लिकली बताना होता है तो ऐसे आप लोगों को कोई भी डिपार्टमेंटली नोटिस नहीं होता है, जिससे आप लोग अंदाजा लगा सकें कि आप लोग की कितनी वैकेंसीज होंगी, कब आप लोगों का नोटिफिकेशन आएगा। जो भी अपडेट रहेगी एसएससी के पास, अगर डेट होती तो आज ही नोटिस डालकर आप लोगों को बता देती कि उनकी डेट क्या है। अभी एसएससी को ही निर्धारित नहीं है वो किस डेट को अपना नोटिफिकेशन जारी करेगी। कॉल के माध्यम से मेरी बात हुई है एसएससी हेडक्वार्टर में, उनके द्वारा क्लियर कट बताया गया है कि अभी तक कोई भी नोटिफिकेशन की डेट नहीं है, आप लोग एसएससी की वेबसाइट को चेक करते रहें। बाकी देखिए, ऑफिशियल वेबसाइट का नंबर आप लोग को एसएससी की वेबसाइट से मिल जाएगा, वहाँ पर एक बार आप लोग कन्फर्म कर लीजिएगा। यही बात एसएससी के हेडक्वार्टर से देखने को मिल रही है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। यहाँ पर देखिए दोस्तों, आप लोग का एसएससी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है इस पर आप लोग बने रहें, और इसके रिगार्डिंग मैं आप लोग को लगातार अपडेट्स प्रोवाइड करा रहा हूँ। अभी आप लोग को आज एक और ऑफिशियल नोटिस देखने को मिला जिसमें बिल्कुल फेक आप लोग की अपडेट बताई गई थी। स्क्रीन शॉट के माध्यम से मैंने उसको मेल कर दिया है एसएससी को इसके रिगार्डिंग, और आप लोग पोस्ट के माध्यम से देख रहे होंगे, कोई भी ऐसा नोटिस आता है तो मैं एसएससी को मेल कर देता हूँ जिससे वो अपना फर्दर अपडेट्स देखें उस नोटिस के रिगार्डिंग। उनको पता चलेगी उनके कारण, डेट डिले होने के कारण ये सब हो रहा है एसएससी वेबसाइट पर, क्योंकि एसएससी वेबसाइट पर कोई अपडेट दे नहीं रही है तो फेक नोटिस जो है वायरल हो रहे हैं। अगर एसएससी को एक रियल नोटिस दे दे तो उसी दिन से ये फेक नोटिस आने बंद हो जाएंगे। तो इसमें एसएससी की भी कहीं ना कहीं गलती है कि वो अपना कोई डेट नहीं बता रही है, इस कारण से फेक नोटिस बन रहे हैं, और व्हाट्सअप मीडियाज पर, टेलीग्राम पर, आप लोग यूट्यूब पर लगातार ये नोटिस देखने को मिल रहे हैं। ज़्यादातर यूट्यूब चैनल्स पर ही ये सभी अपडेट्स आजकल वायरल हो रही हैं, क्योंकि ज़्यादातर कैंडिडेट्स जो एसएससी जीडी के एस्पिरेंट्स हैं यूट्यूब चैनल से जरूर जुड़े हुए हैं, वहाँ से पढ़ाई कर रहे हैं, आप लोग वहाँ से ही नोटिफिकेशन चेक करते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट पर आप लोग देखते ही नहीं है। बाकी बहुत सारी ऑफिशियल वेबसाइट हैं जहाँ से आप लोग जाकर देख सकते हैं, कुछ प्राइवेट वेबसाइट हैं जो बिल्कुल रियल अपडेट्स देती हैं, कुछ आप लोग की सरकारी वेबसाइट है जैसे SSC NIC.in, आप लोग की कोई भी स्टेट PCS हुआ या स्टेट SSC हुआ उसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, CRPF, CISF की ऑफिशियल वेबसाइट है। लेकिन SSC GD का जो नोटिफिकेशन है इसकी अपडेट्स आप लोग को सिर्फ SSC NIC.in की वेबसाइट पर देखने को मिलेगी, बाकी कोई भी आप लोग की रीजनल वेबसाइट पर या फिर किसी भी SSC की वेबसाइट पर देखने को नहीं मिलेगी। ऑफिशियल जो वेबसाइट है SSC NIC.in, यहाँ पर ही नोटिफिकेशन आएगा और यहाँ पर ही आप लोग की सभी अपडेट्स रहेंगी। कोई पब्लिक नोटिस आएगा तो इसी चैनल पर आप लोग को देखने को मिल जाएगा। SSC वेबसाइट पर जितने भी नोटिस आते हैं सभी आप लोग को हमारे चैनल पर प्रोवाइड करा दिए जाते हैं। दोस्तों, अभी तक बात करें कि आप लोग का नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है, तो देखिए दोस्तों, अभी एसएससी की वेबसाइट पर कोई ऐसी डेट नहीं आई है, तो इसका कारण ये है क्योंकि एसएससी ज़्यादा डिले नहीं करने वाली है नोटिफिकेशन में। अगर एक हफ्ते का डिले होता है तो उसके लिए एसएससी नोटिस नहीं डालती है, डायरेक्ट एक हफ्ते बाद जो है अपना रिजल्ट हुआ या फिर कोई नोटिस हुआ वो डाल देती है, कोई अगर इतना डिले होता है। अगर एसएससी एक महीने डिले करती या फिर 15-20 दिन का डिले करती तो 100% आप लोग को नोटिस देखने को मिल जाता। अभी आप लोग का सिर्फ इस वीक या अगले वीक में 100% नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। आप लोग नोटिफिकेशन की चिंता ना करें, पढ़ाई की प्रिपरेशन करें, जिसके रिगार्डिंग्स मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ। इस बार कंपटीशन बहुत ज़्यादा होने वाला है, जैसे ही आप लोग का ऑफिशियल वेबसाइट पर अपडेट्स आएगी पूरा एक मंथ आप लोग को मिलेगा फॉर्म भरने के लिए, तो उसके लिए आप लोग बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना करें। देखें, आप लोग को जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा आप लोग को बता दिया जाएगा पोस्ट प्रेफरेंस किस तरीके से सिलेक्ट करनी है, फॉर्म किस तरीके से भरना है, वो सभी अपडेट्स आप लोग हमारे चैनल पर देखने को मिलेगी। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा फर्दर अपडेट्स के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के अपडेट के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।